एक जबरदस्त स्टेटमेंट आया है इशाक डर, पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका, एक बड़ा जबरदस्त, आसमान तोड़ने वाला, जमीन फाड़ने वाला, परिंदों को उड़ाने वाला, मछलियों को डुबाने वाला स्टेटमेंट आया है। और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक भिखारी नहीं है। ना कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरेबानों में झांके कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं, भिखारी को कौन पूछता है। तो शहबाज सरकार की कोशिश है कि स्टील मिल्स को जल्दी बेच दिया जाए, और आर्मी की कोशिश है कि इसके जाने के बाद हम अकेले पूरा खा जाएं। वो कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं, IMF सुन ले कान खोल के, हम भिखारी नहीं हैं, हम मेंबर हैं IMF के। बड़ा ही कहते हैं कि बड़ा देश है हमारा, वो मेरे प्रोग्राम में पाक भारत टाकरा में भी अक्सर कहते हैं बड़े देश में सब कुछ होता है। 2 से 2.5 trillion रुपया कि खाली जमीन है, उस जमीन की वैल्यू है। फिर स्टील मिल्स के पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी वेयर हाउसेज और जगहें हैं। एक मीटिंग जो है G20 की, भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी रखी है, श्रीनगर में 22 से 24 मई को। हम किसी के बाप की भी नहीं समझ सुनते, अब हम वो करते हैं जो हमें सूट करता है। तो इतना पाकिस्तान का महंगा तरीन स्ट्रेटेजिक असेट से वो औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो बाबा, हम भिखारी नहीं है, $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो, भिखारी नहीं है, तमीज से बात करना, $1 अरब दे दो बाबा। हमारी आला जर्फी दुनिया ने देखी, जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यहाँ इस वक्त हो रहा है, अभी दोबारा शुरू हो गया। दूसरा, आपने बोला कि भी पाकिस्तान को परेशानी है कि वो श्रीनगर के अंदर ये समिट हो रहा है, और वो आएंगे तो किस मुंह से आएंगे। पहली बात तो ये छोटे मोटे भिखारी मुल्कों को हम G20 में बुलाते नहीं हैं। और तमाम ममालिक को, जितने भी G20 के ममालिक हैं और यूरोपियन यूनियन है, वहाँ हम डिमार्श पेश करें, और डिमार्श में यही कहें कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इसमें ये जो इस वक्त एक मीटिंग हो रही है इस पर आप शामिल ना हों, कि हम सारी रंजिशें भुला कर, इनकी सारी साजिशें एक साइड पर रख के सिर्फ इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं। They don't care about the existence of Pakistan. लोग यार, लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने मिशन दे दिया लोगों को। बट हमारे लिए ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमने अपने दिमाग से, मोदी जी ने अपने दिमाग से, जहन से इनको निकाल कर फेंक दिया कूड़े के डब्बे में। ये जो G20 श्रीनगर में हो रहा है, पहले तो ईटानगर में हुआ जी, इन्होंने बायकॉट कर दिया, ठीक है, कर दिया, बड़ा अच्छी बात है। अब श्रीनगर से भी इनको परेशानी है, क्या परेशानी है इनको रोहित भाई? ये दौर इंडिया के लिए खुशखबरियों का दौर है बस। और अब ये समझ लीजिए, हम किसी के बाप की भी नहीं समझ सुनते, अब हम वो करते हैं जो हमें सूट करता है, हम वो नहीं करते जो दूसरों को सूट करे या दूसरों को सुनने में अच्छा लगे, पहली बात है। दूसरा, आपने बोला कि भी पाकिस्तान को परेशानी है कि वो श्रीनगर के अंदर ये समिट हो रहा है, और वो आएंगे तो किस मुंह से आएंगे। पहली बात तो ये छोटे मोटे भिखारी मुल्कों को हम G20 में बुलाते नहीं है, ये आने वाले नहीं है, इनको बुलाया भी नहीं है, ये G20 के मेंबर भी नहीं है, और हमने अपने आजू बाजू के जितने कंट्रीज हैं उन सबको बुलाया। बट हमारे लिए ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमने अपने दिमाग से, मोदी जी ने अपने दिमाग से, जहन से इनको निकाल कर फेंक दिया कूड़े के डब्बे में। अब ये समझ लीजिए, अब आते हैं कश्मीर के ऊपर। कश्मीर में अगर ये समिट होता है, जो ये G20 का एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, उसके अंदर सारी दुनिया के ऑब्जर्वर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए या कोई भी मीटिंग्स होंगी, फॉरेन के डेलीगेट्स आएंगे। जब फॉरेन के डेलीगेट्स आते हैं, वो आकर देखेंगे कश्मीर में अमन शांति है, आर्मी का कंट्रोल कम है, लोकल पुलिस और टेक ओवर कर चुकी है, उससे क्या होगा। एक परसेप्शन जो पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश करी थी कि भाई वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा, वहां पे कर्फ्यू लगे हुए हैं, वो सारा परसेप्शन उनका खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा एक डोमिनो इफेक्ट होता है, जब ये चाइना के अंदर कोविड का इतना बड़ा जोर था, तो आपने देखा होगा कि यहां पर एक मुहिम चली थी वर्ल्ड कप के टाइम पर कि भाई आपने तो हमें बताया था कि पूरे दुनिया में कोविड है, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, और यहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है, लोग वहां पे मैच देख रहे हैं बिना मास्क के, तो
तो आप कैसे बोल सकते हो कि पूरी दुनिया में कोविड है और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे? तो लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू करे। वही चीज अब पाकिस्तान को सता रही है कि अगर G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं, लोग वहां जाएंगे, वहां पर वो मीटिंग्स करेंगे, लोगों से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, UPI यूज करेंगे, कश्मीर में जाके हैंडीक्राफ्ट खरीदेंगे, तो पाकिस्तान का जो परसेप्शन है, जो उन्होंने चूर्ण बेचा हुआ है अपने लोगों को, वो तो खत्म ढेर हो गए, गिर जाएगा नीचे ताश के पत्ते की तरह। 70 साल की गेम एक दिन में ताश के पत्ते की तरह गिरेगी रोहित भाई। और इसी बात का डर है पाकिस्तान को। अब दोस्ती चाइना की, चाइना को दुख किस बात का? चाइना को दुख इस बात का कि POK अगर ये सब कुछ होगा तो दुनिया मान जाएगी कि दुनिया इसमें अमन शांति हो गई है, और अगर सारी दुनिया का सपोर्ट इंडिया को मिल जाता है, कल को जब POK के अंदर हमने घुसकर घुसना ही है, फिर शारदा पीठ की जब रोड बन गई तो POK में घुस गए ना, और उसके बाद लेने का टाइम आ गया। जब POK को हम लेते हैं तो उसका जो CPEC है, जो उसके अंदर से गुजर रहा है, उसको उस बात का डर है कि मेरे 25-26 बिलियन भी गए। पाकिस्तान ने जो खा लिए पैसे खा लिए, लेकिन CPEC भी डूबता दिखता है, इसलिए वो सपोर्ट कर नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। पाकिस्तान की मजबूरी भी है और चाइना की मजबूरी भी है, इसलिए दोनों को ढोल बजाते रहने दो। हमने जो करना था कर दिया, और अब G20 की मीटिंग होकर रहेगी। पाकिस्तान सोच कर भी उसमें दखल अंदाजी ना कर सकता है, ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा कि ये वहां पे आतंकवादी भेजते हैं, उसके बाद आप सैंक्शंस का जो जोर देखेंगे इनके ऊपर, वो आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते, क्योंकि ये भारत आज का भारत है, मोदी जी का भारत है, ये हमारा भारत है, जिसमें हम किसी की ना सुनते हैं, ना किसी को बर्दाश्त करते हैं, कोई भी हमारे देश में किसी भी मुद्दे में इंटरफेयर करके दिखाए। ये मोहन सिंह का टाइम नहीं है रोहित भाई, जब रिमोट कंट्रोल की सरकार चलती थी, और यही मनमोहन सिंह है, जब 26/11 को मैं यहां पे था बाहर, और मैं कि खून खौलता है आज भी सोचकर, मोहन सिंह यूनाइटेड नेशंस में जाकर बोलते हैं पाकिस्तान को, प्लीज हमारे यहाँ आतंकवाद मत बजाइए, हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट मत कीजिए, प्लीज। और आज वही मोदी जी हैं, घुस के मारते हैं उसी वक्त, टाइम नहीं है उनके पास, वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद नहीं, उसी वक्त हिसाब किताब बराबर। और ये बात पाकिस्तान को भी और चाइना को दोनों को समझ आ गई है, इसीलिए खलबली। पाकिस्तान स्टील मिल्स है ना, वो हजारों एकड़ पे बनी हुई है। ये रशिया ने, सोवियत यूनियन ने मदद की थी अयूब खान के जमाने में, और उनकी मदद से ये स्टील मिल कायम हुई थी। अब सरकार उसको बेचने पे आ गई है था कि खाली उसकी जो स्टील मिल्स की जमीन है ना, जो पता नहीं कितने हजार एकड़, उस जमीन की कीमत शायद वो बता रहे थे कि 20 से 26 खरब रुपया। 100 करोड़ का 1 अरब होता है और 100 अरब का 1 खरब होता है, 100 बिलियन का 1 खरब होता है। तो बता रहे थे कि 2 से 2.5 ट्रिलियन रुपया कि खाली जमीन है, उस जमीन की वैल्यू है। फिर स्टील मिल्स के पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी वेयर हाउसेज और जगहें हैं जो ये अब औने पौने दाम में बेचने जा रहे हैं, क्योंकि किकबैक मिलेगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। चाइना की 4 कंपनियों ने फॉर्म भरे हैं, 2 कंपनियां आके विजिट भी कर गई हैं। शहबाज सरकार कोशिश में है कि जितनी जल्दी हो सके इसको बेच दें, कल को पता नहीं हमारी हुकूमत रहे ना रहे, तो जरदारी और शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान मिल के कोशिश कर रहे हैं कि ये एक झटका बिलियंस ऑफ डॉलर का है, ये लगा लें। आर्मी की कोशिश ये है कि थोड़ा डिले कर लें, क्योंकि आर्मी जो शहबाज सरकार से काम लेना चाहती थी वो तकरीबन होने वाला है। आज ये खबर आई है कि सऊदी अरब ने श्योरिटी दे दी है कि हम $2 बिलियन आपको खजाने में रखने के लिए देंगे। IMF ने शर्त रखी है इसहाक डार से कि आप 10 अप्रैल को आ रहे हैं ना अमेरिका, तो आने से पहले अपने साथ $3 बिलियन की गारंटी लेके आइएगा कि आपको फ्रेंडली कंट्रीज
दे रहे हैं। तो सऊदी अरब से तकरीबन फाइनल हो गया है $2 बिलियन, और $1 बिलियन के लिए इसाक डार अमेरिका जाने से पहले इमारात जाएंगे और इमारात से वो गारंटी, रिटर्न गारंटी मांगी गई है, तो गारंटी मांगेंगे। उसके बाद IMF अपना प्रोग्राम वापस शुरू करेगा और $1.1 बिलियन IMF रिलीज करेगा। तो कुछ इनकी सांस में सांस आएगी, तो यही मकसद के लिए शहबाज शरीफ को रखा हुआ था, ये मकसद पूरा होगा। तो शहबाज सरकार की कोशिश है कि स्टील मिल्स को जल्दी बेच दिया जाए, और आर्मी की कोशिश है कि इसके जाने के बाद हम अकेले पूरा खा जाएं। तो इतना पाकिस्तान का महंगा तरीन स्ट्रेटेजिक असेट्स है वो औने पौने दामों में बेचा जा रहा है।